मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं रतलाम की खबरों की ओर। रतलाम में बीती देर शाम का मामला है। राजीव नगर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर चला गया। यहां जाने वाले ट्रैक पर खड़े इंजन पर नाबालिग चढ़ गया और सेल्फी लेने लगा, लेकिन सेल्फी के जुनून में नाबालिग का ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन पर ध्यान नहीं गया और जैसे ही सेल्फी लेने के लिए नाबालिग ने मोबाइल लेकर अपना हाथ ऊपर किया, वहीं हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया। जोरदार झटके के साथ बड़ा फॉल्ट हुआ और झुलसता हुआ नाबालिग इंजन से जमीन पर आ गिरा, जिससे नाबालिग को चोट भी आई। दोस्तों ने झुलसे नाबालिग के पिता को कॉल कर सूचना दी। परिजन झुलसे नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल नाबालिग की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। ये और उसके दो दोस्त और थे, तो वहाँ पे ये सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेने के लिए इंजन पर चढ़ा। इंजन चढ़ के जैसे ही हाथ किया तो शायद उसका वायर से थोड़ा टच हुआ या उसका झटका लगा तो नीचे गिर पड़ा। और उसके पिताजी खबर मिली, उसके पिताजी आके अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ आके मैंने देखा, इससे पूछताछ करी, इसने भी यही घटना बताई कि मैं ऊपर चढ़ा हुआ था इंजन, मेरे दोस्तों के साथ इंजन पर मैं खड़ा हुआ था। चढ़ा जैसे ही मैं सेल्फी ले रहा, जैसे बिजली का अचानक झटका लगा, करंट लगा मुझे, मैं नीचे गिर गया। मुझे किसी ने कोई धक्का पक्की ऐसे कोई कुछ नहीं किया। दोस्त लोग तो आपस में मस्ती कर रहे थे सर। मस्ती करते करते मैं इंजन चढ़ गया, एक पहले चढ़ा था उसने खींचा, तो मैंने कहा मैं भी चढ़ के खींच लेता हूँ सर पे। वो लेकिन नीचे उतरा, मैं चढ़ा तो मेरा लंबा, तो मेरा हाथ थोड़ा लंबा गया, तो वो बिजली के वायर से थोड़ा टच हुआ, जैसे मुझे झटका लगा मैं नीचे गिर गया।